नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आइए बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी आपके वेडनेसडे के दिन कहाँ काम कर सकता है, और वेडनेसडे के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी रहेगी। इस बार बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे के दिन रहेगी, वेडनेसडे के दिन नहीं रहेगी। तो चलिए देखते हैं आपका कल जो वेडनेसडे रहेगा किस तरह से कामकाज कर सकते हैं, इसके अंदर हमारी क्या प्लानिंग थी उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गाइज, हमारे निफ्टी के अंदर क्लियरली था कि भैया ये वाला जो सिंह था इसके ऊपर निकलेगा, तो बाय की पोजीशन 19,590 के ऊपर बाय की पोजीशन मिलेगा, तो बाय करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे हम सेल ऑन राइज पे आ गए थे। क्लियरली मैंने सेल ऑन राइज के अंदर इसको टारगेट दे दिए थे, और मॉर्निंग में मैंने कहा था कि यहाँ अगर ये रुकेगा तो इस पे यहाँ पॉइंट तक हम यहाँ पे अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है तो मे भी हम यहाँ पे एक बाय की पोजीशन में बैठ सकते थे, लेकिन मार्केट ने थोड़ा कंसोलिडेट किया और शानदार एक गिरावट ऊपर के लेवल से दिखा दी। टेलीग्राम पे भी जैसे ही 19 से 475 के आसपास जब निफ्टी था, मैंने टेलीग्राम पे ट्रेड दे दी थी कि 19,400 तक के लिए हम निफ्टी के अंदर सेल कर सकते हैं। बैंक निफ्टी और इसको फिर निफ्टी को इसलिए नहीं करवाया क्योंकि इसके अंदर कुछ मेरे को लग रहा नहीं था कि आपको ये ट्रेड देगा। फिर निफ्टी की अगर जैसे एक्सपायरी की बात करते हैं, तो अपने क्लियरली प्लान था कि जितना इसके पास मिलेगा हम यहाँ पे सेल की पोजिशन बनाएंगे। तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया, ये एक यहाँ पे आपको क्या किया, ट्रैप किया। तो फिर निफ्टी ने कुछ खास किया नहीं, और ऊपर का एक्चुअल में क्या है कि ऊपर की जो रेखा है वो अभी तक यानी कि हाल फिलहाल भी आप लोगों को क्लियर नहीं हुई कि कहाँ तक मार्केट अभी और नीचे की साइड में फिसल सकता है। तो चलिए देखो, ये जो हमारी ट्रेड लाइन हमने काफी टाइम से इसको बना के रखा था निफ्टी की, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था। मे बी यहाँ से आज सपोर्ट लेता है कि नहीं लेता है, लेट सी। और ऊपर की ट्रेड लाइन तो ये कंफर्म हो गई है कि भैया ऊपर का जो ये पाथ है आपकी, ये एक ट्रेड लाइन है जो यहाँ से मार्केट आपका इसका सीधा का सीधा यहाँ से एक ट्रेड लाइन लेके अब नीचे की साइड नहीं गिराता हुआ चलेगा। तो अब मार्केट में क्या पोजीशन है, बैंक निफ्टी की क्या प्लानिंग थी। बैंक निफ्टी का गाइस क्लियरली मैंने कहा था कि 44,850 के पास में मिलता है, उसको अगर क्रॉस करेगा, 43,850 को अगर क्रॉस करेगा तो ही हमारी बाय की पोजीशन रहेगी। अदरवाइज हम 43,850 के एसएल के साथ में पुट की पोजीशन बना सकते हैं। अगर किसी ने यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो, मॉर्निंग में ही आपको एक शानदार ट्रेड मिली, यहाँ से अगर कोई कंटिन्यूअसली इसके ऊपर बैठ के रहा तो पुट की साइड में हमें बढ़िया पैसा मिला। तो ओवरऑल मार्केट किस तरह की रूपरेखा बनती जा रही है वो चीज हमें देखनी है। देखो नीचे की साइड में यहाँ तक एक जो एक डिप थी इसकी कंप्लीट हो गई है, 19,300 के नीचे, फिर या तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करेगा, ये ट्रैप करेगा, या 19,250 यहाँ पे आएगा, यहाँ अब आके ट्रैप कर सकता है। और अभी क्या है कि जैसे नीचे का इसने दो बार टच कर लिया, अगर अपन इस ट्रेंड लाइन की बात करते हैं तो इसने मार्केट ने इसको दो बार टच कर लिया, लेकिन ऊपर की साइड में हाल फिलहाल कंटिन्यूसली अगर कौन सी ट्रेंड लाइन बना रहा है, क्या बना रहा है, सीधी एक फ्रेश गिरावट, एक कंटिन्यूअसली गिरावट आपको ये दिखाता जा रहा है। ठीक है, तो अब तो 19,300 एक ऐसा लेवल है, यहाँ के आसपास हम एक बाई की पोजीशन में बैठ सकते हैं, लेकिन मार्केट का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि भैया यहाँ पे कम क्वांटिटी में, क्योंकि जब ट्रेंड अगर नेगेटिव रहता है तो एक बाई की पोजीशन के लिए 19,300 जैसे मान लो लेवल बता रहा हूं मैं, तो ये लेवल एक क्या है कि डेफिनेटली एक सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या है कि ट्रैप करके मार्केट नीचे की साइड भी जा सकता है। तो 19,300 के आसपास, 19,310 के आसपास अगर हमें निफ्टी मिलेगा वेडनेसडे के दिन, तो यहाँ पे एक बाय की पोजीशन बनती है। ऊपर के टारगेट आपके 19,380 तक के रहेंगे, एसएल फिर आपका 19,300 रहेगा। अब सिचुएशन मार्केट अगर गैप अप खुलता है, तो मार्केट अगर आपका गैप अप खुलता है, डेफिनेटली आप इसको हमारी बाय की पोजीशन में इग्नोर करेंगे, सेल ऑन राइज रखेंगे, लेकिन एक इस तरह से एक ये लाइन ट्रेंड लाइन जरूर खींच लेना, या फिर जैसे 19,565 के आसपास अगर मिलता है तो हम एक 19,565 के आसपास अगर मार्केट मिलता है तो एक ऊपर के लेवल पे 19,565 के एसएल लगा के पुट की पोजीशन बना सकते हैं। नीचे में टारगेट आपके 19,400
400 तक के लिए रह सकते हैं। वनडे के चार्ट में इसको एक बार और एनालिसिस कर लें, क्योंकि कंटिन्यूअसली एक सीधी शार्प 3 दिन की इसने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, और लाइन चार्ट में अगर आप देखते हो तो क्लियरली हो रहा है कि जैसे ये इसने एम पैटर्न बनाया और नीचे की साइड ही कंटिन्यूअसली जाता जा रहा है। तो एक पुल बैक मार्केट दे के देन फर्दर डाउनफॉल दे, ये यानी कि एक हेल्दी ट्रेंड दिखता है। अगर ये नहीं होता है तो मार्केट आपको कंटिन्यूअसली ट्रैप कर सकता है। तो देखो 43600 जैसे निकला 43400 आपके सामने 2 मिनट के अंदर आ गया, ज्यादा टाइम नहीं लगा, ठीक है ना। और ये आपको 43333 तक एक आपको डिप दिखा सकता है। तो नीचे का लेवल एक्चुअल में क्या है दोस्तों कि यहाँ से बड़ा बड़ा मूव मार्केट ने दिया हुआ है। ये वाला 43600 देखो, ये यहाँ से क्या है कि शानदार आपको एक वापस हाई दिखा रखा है। यहाँ के अगर आसपास देखेंगे 43600 से आपको टॉप भी नया टॉप लगा था, यहाँ वापस यानी कि लगा है। तो अब ये ब्रेक करके तो फिर सीधा का सीधा फिर क्या है कि इसकी रुकावट की पॉइंट आ जाता है आपका 43350 का लेवल अगर निकलता है मार्केट, तो फिर आपका लेवल आता है सीधा का सीधा 43000, मतलब 300 पॉइंट की रेगुलर नॉन स्टॉप गिरावट दिखा देता है मार्केट, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा 43842800। तो मार्केट जितना ऊपर मिलेगा उस हिसाब से हमारी ट्रेडिंग रहेगी, और अगर आप ट्रेंड लाइन को अगर आप देखते हो तो डेफिनेटली आपके निफ्टी ने ऊपर की रेंज पे, बैंक निफ्टी ने, इवन फिर निफ्टी की भी अगर बात करोगे तो वो भी यानी कि इसका रेस्पेक्ट करते हुए ऊपर के लेवल से फिसलती हुई नीचे की साइड दिख रही है। तो नीचे की ट्रेंड लाइन कहाँ तक इसको गिरा सकता है या गिर सकता है, ये चीज हम देखते हैं 3 आवर्स के चार्ट में। तो नीचे का लेवल आपका आ रहा है कहाँ आ रहा है, 43100 की तरफ, 43100 की तरफ मार्केट नीचे की साइड में जा सकता है। या फिर जैसे अगर इस पॉइंट की बात करते हैं तो ये भी 43000 का लेवल है, सीधा का सीधा कंटिन्यूअसली 1-2 दिन के अंदर नीचे, जैसे ये, क्योंकि देखो ये खड़ी रेखा बन रही है, इस वजह से क्या है कि डीप मार्केट की आपको मतलब जो गिरावट है डे के अंदर, अभी तक आपने देखा होगा तो गिरावट आपको एक दिन के अंदर इतनी बड़ी दिख रही नहीं थी। यहाँ पे क्या सपोर्ट था, कंटिन्यूअसली ट्रेंडिंग सपोर्ट था, यहाँ था फिर यहाँ था फिर एक अप ट्रेंड था, अब क्या है डाउन ट्रेंड के अंदर नीचे की साइड के गड्ढे आपको ज्यादा दिखाई देते हैं। तो हमारे एनालिसिस, अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता है डेफिनेटली एक पुल बैक दे दे, क्लियरली शार्प और स्वच्छ यानी कि एनालिसिस है। 43300 के नीचे अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलता है या फिर किसी भी वजह से फ्लैट खुल के या इसके नीचे अगर आज क्लोज होता है तो हम एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं 43000 तक। एसएल फिर आपका हो जाएगा 43450 का, और नीचे के टारगेट 43000 तक। 43000 का अगर लेवल ब्रेक होता है तो 43800 की तरफ बैंक निफ्टी, 42800 की तरफ बैंक निफ्टी फिर जा सकता है। एक पुल बैक दे दे मार्केट आपको, पुल बैक दे दे 43500 तक, 43500 के आसपास या 43600 को रीटेस्ट करने के लिए अगर आता है, जैसे मान लो कोई लेवल अगर मार्केट ये ब्रेक करता है, ठीक है, ब्रेक करने के बाद में इसको रीटेस्ट करता है, तो इस पॉइंट के रीटेस्ट पे यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल अगर हमें आइडेंटिफाई होगी तो डेफिनेटली हम एक पुट की पोजिशन यहाँ से इस पॉइंट के लिए नीचे से बना लेंगे, ठीक है ना। तो वो एक क्या है कि इसका रीजन क्या है कि मार्केट जैसे इस लेवल को तोड़ा, यहाँ से तोड़ के यहाँ क्लोज हुआ, देन यहाँ पे इसने इसको रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके फिर फर्दर नीचे निकलता है, तो रीटेस्ट पे बड़े पॉइंट के लिए पुट की पोजीशन मतलब 43600 के आसपास अगर बैंक निफ्टी किसी भी कारणवश ऊपर मिले तो सेल ऑन राइज यहाँ पे हम पुट की पोजीशन बना सकते हैं। 43750 का हमारा एसएल रहेगा 5 मिनट कैंडल क्लोजिंग का, और नीचे की साइड में अगेन आपके 43300 तक के टारगेट आपके मतलब 600 पॉइंट के लिए बैंक निफ्टी की बड़ी गिरावट आप ऊपर के लेवल से देख सकते हो। अब सिचुएशन फ्लैट फ्लूट कैसे भी खुले, मार्केट नेगेटिव है, फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाता है तो ऊपर जाते हुए मार्केट को प्रीवियस, ये देखो ये पॉइंट है, ये लाइन है, जैसे यहाँ पे और ये वाला, तो यहाँ के आसपास जितना मिलेगा मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन पे हम पुट की पोजीशन लेंगे। ऊपर जाना मैं कॉल की तरफ मत बैठना, उसका रीजन क्या है कि मार्केट जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर जाके इसको रीटेस्ट करे,
रिटेस्ट करने जाएगा ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ ऊपर के लेवल पे जहां पे भी रिजेक्शन मिले इमिडिएटली सेल की पोजीशन बनाई जा सकती है। और टेलीग्राम पे भी मैं एडवाइस देता रहूंगा, वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी आप आने वाले 2-3 दिनों के लिए, फिर क्या है कि कंटिन्यूअसली हमारे बढ़िया वीडियो बनने लग जाएंगे। मैं थोड़ा आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन हूँ और जब वृंदावन की तरफ आया हुआ हूँ तो वहां पे यानी कि शानदार भागवत कथा हम सुन रहे हैं। तो ये देखो अगर आप 3 आवर्स के चार्ट पे अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट बताऊं तो क्या दिख रहा है, ये पूरा का पूरा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, ठीक है ना। ये इसने नेक लाइन है, ये मतलब 43,822 की जो नेक लाइन थी वो उसने तोड़ दी, और आज इसने क्या किया कि वापस जाके उस नेक लाइन को रीटेस्ट भी किया, रीटेस्ट करके फिर फर्दर डाउनफॉल दे रहा है। तो डाउनफॉल में भी बड़े डाउनफॉल अब आने वाले दिनों में धीरे 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 धीरे, मतलब ये आपके 42,600 फिर मतलब ज्यादा भी नहीं तो 500-700 पॉइंट की नीचे की तरफ आप 1,000 पॉइंट के आसपास की बैंक निफ्टी गिरावट आने वाले दिन में दिखा सकता है। तो वीडियो दोस्तों अच्छा लगा लाइक जरूर करें, थैंक यू।